टीचर होता है जो उन्हें जो उन्हें एजुकेशन देता है, टीच करता है। तो अब हम बात करते हैं कि सक्सेस किसे कहते हैं। देखो, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कोई प्रोडक्ट है बाजार में जाऊंगा और उसे खरीदूंगा। सक्सेस प्रोडक्ट नहीं है, इसकी सेल परचेज नहीं होती। तो सक्सेस क्या है? यह वो चोटी है जिसके ऊपर आपने जाना है। एक लक्ष्य रखना चाहिए। अगर आपने साइंटिस्ट बनना है तो ये सोचिए मैं साइंटिस्ट को पढ़ाने वाला टीचर बनना है। यदि मैंने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर को पढ़ाने वाला मैंने टीचर बनना है। आपका लक्ष्य टीचर होना चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए, तो ही आप दुनिया में सक्सेस कर सकते हो। यदि आपका लक्ष्य टीचिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले है एजुकेशन, दूसरा है स्किल, तीसरा है असफलता को सहन करने की शक्ति। तीन चीजें हैं। अब जैसे मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं तथा 15 सालों से टीच कर रहा हूं। 10 साल मैंने ऑफलाइन पे टीच किया, पिछले 5 सालों से ऑनलाइन पे टीच कर रहा हूं। तो एक जो उसका सिस्टम था और इसका सिस्टम है उसमें काफी डिफरेंस है। गूगल किस किस ने चलाया, हाथ खड़ा करें। गूगल 1, 2, 3 गूगल जिसने चलाया वो बहुत बच्चों ने चलाया। तो आज का जो सिस्टम है ना, उसमें आप क्या लिखते हो, अपनी प्रॉब्लम लिखते हो ना कि हाउ टू डांस, हाउ टू बिकम द सक्सेसफुल इन द लाइफ, हाउ टू बिकम टीचर। तो उसका टीचर के लिए क्या संबंध है? तो एक टीचर के लिए, ऑनलाइन टीचर के लिए यह है, जितने भी कॉलेज हैं वो सभी स्टूडेंट हैं, सभी क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें इतना कंपटीशन है। उसमें से आप क्या देखते हो, पहले 3 पेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस। कोई ऐसा भी है कि गूगल में 1000 पेज हो तो वो देखे, ऐसा नहीं है। तो टीचिंग की अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है, तो उसको उसमें आपने सक्सेस करना है। जिसके पहले 3 पेज में होंगे वो सक्सेस हो जाता है। यानी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो 3 चीजें मैंने बताई। फर्स्ट है सक्सेस के लिए आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है। जितने भी आपके टीचर्स हैं ये आपको एजुकेशन देंगे। ओके, they are sufficient to provide you the education. अब हम बात करते हैं स्किल की। स्किल कैसे प्राप्त होती है? तो देखिए, दुनिया में जो जो सक्सेस हो गए हैं उनको कॉपी कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। वो व्यक्ति आपको सक्सेस दे सकता है जो सक्सेस हो गया है, वो व्यक्ति आपको सक्सेस नहीं दे सकता जो सक्सेस ही नहीं है। तो उनको कॉपी कीजिए, फॉलो कीजिए। वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या कैसे रहता है, तो आप भी एक दिन सक्सेस हो जाओगे। स्किल ऐसे सीखी जाती है। अब तीसरी बात है कि असफलता को सहन करना, टॉलरेंस पावर। जो व्यक्ति असफलता को सहन कर गया वो जिंदगी में सफल होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो हजारों बार उसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल हो गए, तो वो सहन किया उसने। तो उसने जब वो हजारों बार असफल हुए तो एक बार उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल। जिस समय आपको अपने जो है असफलता को सहन करने की शक्ति आ जाएगी तो आप सक्सेस हो जाओगे। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एक बाबा जी थे, वो अपने घर की छत के ऊपर चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट यू वांट टू गेट यू विल गेट।
चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक दिन मेरे जैसा व्यक्ति उसके पास पहुंच गया। मेरे जैसा व्यक्ति चाहता था बहुत अमीर आदमी बनना, दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता था मेरे जैसा कोई व्यक्ति। उसने कहा कि मैं हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? तो ये कैसे बना जा सकता है? मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। इवन आई हैव नो, आई हैव नॉट ए वन रुपीस। तो कैसे बना जाए? बाबा जी कहते बस इतनी सी बात, तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो, तुम हीरे मोतियों के व्यापारी बनना चाहते हो, बस इतनी सी बात, मैं आपको एक डायमंड देता हूँ। बाबा जी ने कहा मैं आपको एक डायमंड देता हूँ, एक मोती देता हूँ, जितने हीरे मोती चाहोगे बनते जाएंगे। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बाबा जी कह रहे हैं कि एक हीरा देंगे, एक मोती देंगे, उससे मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, हीरे मोतियों का व्यापारी बन जाऊंगा। तो बाबा जी ने उस व्यक्ति का हाथ आगे किया, तो उस बाबा जी ने उसके हाथ के ऊपर रख दिया, ऐसे रख दिया, मंत्र बोल दिया। तो उसने देखा ये क्या चीज है। बाबा जी ने कहा ये है समय, समय हीरे के समान है बेटे, इसको व्यर्थ नहीं गवाना, टाइम इज द डायमंड, डोंट वेस्ट द टाइम। तो दूसरी बात उसने कहा मोती, अच्छे काम करना ये मोती के समान है। तो जितने जितने आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे तथा अच्छे काम करोगे, मोतियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो वो व्यक्ति पता कहने क्या कहने लगा, मैं कहीं बाजार में जाऊंगा, मैं समय व्यर्थ नहीं करना, अच्छे काम करना, कोई एक रुपया देगा? बताओ नहीं देगा। कहता बाबा पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया, चला जाता है, दुनिया के गम तमाशे देखता है, मौज मस्ती करता है, शराब भी पीता है। पर हमारी मन की किताब खुलती है, एक बार क्या खुलती है? मन की किताब खुलती है। तो उस व्यक्ति की मन की किताब में एक पेज था, उसमें लिखा होता है बाबा जी कहते थे समय व्यर्थ नहीं करना, अच्छा काम करना है। तो वो सुनार की दुकान पे जाता है, अगर हीरे मोतियों का व्यापारी बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा? सुनार का काम। तो अपने चाचा जी को कहता है कि भैया मुझे काम सिखा दो, मुझे काम नहीं आता, मैंने हीरे मोतियों का व्यापारी बनना है। तो उसने क्या किया, ये वही है भिखारी, इसको 100 का नोट दो, भगाओ यहाँ से, ये तो कोई काम करता ही नहीं है। तो अब उस व्यक्ति ने कहा मैंने दिल लगा के काम करना है। क्या करना है? काम करना है। तो उसने क्या किया, चलो इसको ना काम देते हैं, ये जितने भी शीशे इसको साफ करो। वो शीशों को साफ करता था, पोचा लगाओ, कोई ग्राहक आ गया उसको पानी पिलाओ, करते करते एक महीना हो गया। अब वो व्यक्ति को जो उसका चाचा था उसको काम सिखाता है सुनार का, 3 महीनों में वो काम में एक्सपर्ट हो जाता है, जितना ही सुनार का काम होता है, अच्छी तरह से वो सीख जाता है। 6 महीने के बाद वो अपनी दुकान उसी गांव में कर लेता है। 6 महीने बीत गए, तो इस 6 महीने में एक एक सेकंड दिखता है कि वेस्ट तो नहीं हो रहा, नहीं यार यहाँ वेस्ट हो रहा है, कपड़े नहीं लगानी, यहाँ घूमना नहीं है, वेस्ट होता है टाइम। तो 6 महीने के बाद उसकी अपनी दुकान चलने लगती है। 6 महीने में अच्छे अच्छे काम करता है, वो ब्लड डोनेशन है, आई डोनेशन है, जितने भी अच्छे काम है वो करता रहता है। तो उसकी खुशबू फैलने लगती है, अगले साल वो शहर में दुकान खोलता है। कहाँ खोलता है? शहर में। जो फूल होता है ना उसकी खुशबू फैलने लगती है। दूसरे साल वो पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचें खोल देता है। अब देखो कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो वहां एक एक ब्रांच खोल देता है। अब चौथा साल हो गया, अब पूरे विश्व में 193 से ज्यादा देश हैं, उसमें वो एक एक ब्रांच खोल देता है। कितनी ब्रांचें खोलता है? एक एक ब्रांच खोल देता है, तथा उसका हेड ऑफ ऑफिस होता है कैलिफोर्निया, यूएसए। अब वो देखता है कि 4 साल में मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, हीरे मोतियों का व्यापारी बनना चाहता था, 40 साल से मेरी प्लानिंग थी, पर ये 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि मैं हीरे मोतियों का व्यापारी बन गया हूं, सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था पर ये 4 सालों में बन गया हूं, ये क्या हुआ? तो उसको बाबा जी याद आते हैं कि बाबा जी थे, उसने कुछ कहा था, मैं उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो उसका आशीर्वाद तो लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
तो उसने अपना जहाज मंगवाया, जितने भी उसके साथ एम्प्लॉय थे 20,000 उसी गांव में चले गए। तो आज वो बाबा जी फिर चेता रहे हैं, जो चाहोगे सो पाओगे। तो लोग पत्थर उसके ऊपर मारे हैं कि ये पागल है, 80 साल हो गया है, ये गलत बोल रहा है, कोई बना तो है नहीं। तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी वहां पहुंच जाता है, वो कहता है ये बाबा जी है। जो उसके 20,000 एम्प्लॉय थे वो क्या बन जाते हैं, छोटे तो ही नहीं उस बाबा जी के पास, वो सो जाते हैं। तो वो व्यक्ति उस बाबा जी के पास चला जाता है, सब सन्नाटा है, शांति है। तो वो व्यक्ति कहता है, बाबा जी आपने सच कहा था, 4 साल पहले मैंने आपसे सुना था कि ये जो समय है व्यर्थ नहीं गवाना, टाइम इज मनी, ये वाकई सत्य है। मैंने 4 साल में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। आज अगर आप सर्च करो तो सेकंड में कितने मिलियन मिली सेकंड होती है, कितने एक सेकंड में कितने नैनो बिलियन नैनो सेकंड होते हैं, वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया। यानी हम जितना भी 1 सेकंड है ना उसको मैयर कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं नैनो सेकंड में, तो वो भी उसने वेस्ट नहीं किया। और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, जो आज से 4 साल पहले मैं बनना चाहता था। उसके बाद वो बाबा जी को कहता है, इस 4 सालों में हमेशा ही अच्छा काम किया मैंने, क्या किया, अच्छा काम किया, तो मैं ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो बाबा जी पता क्या कहने लगे, अरे तुझे 4 साल बाद पता लगा है, मैं पिछले 80 सालों से जी कर रहा हूँ, 80 सालों से। वो दुनिया के लोगों, डोंट वेस्ट द टाइम, समय हीरे के समान है, लोग कहते हैं पागल है, ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छे काम करो, यही सक्सेस होने का एक साधन है, लोग कहते हैं पागल है, आज तुम भी पागल हो गया। तो बिना पागल बने, बिना अच्छा काम किए, टाइम वेस्ट, बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप कुछ बन सकते हो तो बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है बताओ, हमने अपने जीवन में कभी भी 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना, क्या नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। वो क्या काम करने हैं, अच्छे काम करने, कौन से काम करने हैं, कोई एक अच्छा काम बता दो।